जी अंकल, मैं घर से निकल आई हूँ। नहीं नहीं अंकल, मुझे किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा? वैसे चक्कर क्या है? नहीं अंकल, किसी को नहीं पता चला। हैं? ये अकेली कैसे अपने घर से छुप छुप के निकल रही है? जी जी अंकल, पैसे ले लिए मैंने। कुछ तो गड़बड़ है। चल भाई, नई असाइनमेंट मिल गई आज की। कोई तो मसला है। लोकेशन तो यही दी थी, आए नहीं अभी तक। अंकल को फोन करती हूँ। अंकल, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। जो लोकेशन आपने बताई थी। अंकल आप कहाँ रह गए हैं? मैं अकेली हूँ यहाँ पे और शाम भी हो रही है। पता नहीं किससे बात कर रही है। पता लगाना होगा, कुछ करता हूँ। ओहो, पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। कौन हो तुम? ए मैडम, क्या बात है? रो दिया मुझे। आप अकेली यहाँ? तुम्हें सा मतलब? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। मेरी बिल्ली? मेरे कोई मियाँ। मैडम, मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, आप कौन हो? तुम्हें समझ नहीं आती? मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ, अब जाओ यहाँ से। ज्यादा परेशान किया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूँ। पीछे छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं। अंकल कहाँ रह गए थे आप, इतनी देर कर दी। हमना बेटी, कैसी हो? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अंकल, मगर आपने बहुत देर कर दी। कितना दूर जाना है हमें? हमें हॉस्टल पहुंचते पहुंचते तो रात हो जाएगी। चले अब चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ जाते हैं। पैसे लाई हो? हाँ, इस बैग में है। लाओ लाओ, ये बैग मुझे दे दो। थक जाओगी उठाते उठाते इस बैग को। मैं उठाता हूँ ना। अरे अंकल, मुझे भी तो साथ लेते जाएं। आप अकेले ही चलती है? चलो जाओ यहाँ से। अपने बाप से पूछ जिसने कभी किसी की मदद नहीं की। अंकल आपकी मेरी तो कमिटमेंट हुई थी कि आप मुझे फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेकर देंगे। कमिटमेंट? कमिटमेंट तो तेरे बाप ने भी मेरे साथ की थी और वो मुकर गया। अंकल क्या कह रहे हैं आप? शाबाश, अब तुम यहाँ से जाओ और पैसे निकलवाने का रास्ता मेरे पास बस यही था। ओके खलास, जाता हूँ। अंकल मैं सुनसान जगह से घर कैसे जाऊंगी अकेली? अंकल अंकल सुने तो, अंकल रुके तो सही। कौन हो तुम? नाम तो सुना होगा, डॉग, छोटा डॉग। हट जा मेरे रास्ते से वरना मारा जाएगा। कैसे तुमने जुर्म की मेरे इलाके में कदम रखने की? इस इलाके में कसम मत आना। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा कभी। देख लूंगा मैं तुम्हें। अरे जा जा, तेरे जैसे छोड़ूंगा नहीं। इतनी सी उम्र में तेरे जैसे ही वो लोग होते हैं जो बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। ये ले मैडम। तुम और ये बैग तुम्हारे पास कैसे? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया, तुम ठीक हो? क्या हो गया तुम्हें? ए रुक, किधर भागता है? पीछे से वार करता है, सामने आके वार।
सामने आना। यहाँ बैठना, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा नहीं। मैडम अपना बैग संभालें आप, ये ले लो, मैं तुम्हारा जख्म साफ कर दूं। बस बस आहिस्ता आहिस्ता ना। अच्छा तुमने क्यों इतना रिस्क लिया? मैडम अब उनका तो काम ही यही है दूसरों की मदद करना, अब बताओ घर से भागी क्यों थी? ओ उल्लू, मैं घर से भागी नहीं थी। ओ हेलो, मैं कोई उल्लू उल्लू नहीं हूँ। नाम तो सुना होगा मेरा, डॉन, छोटा डॉन। अंकल ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। आपने अपने बाबा से बात क्यों नहीं की? हमेशा बात बात करके मनाते हैं, ऐसे बुजदिलों की तरह नहीं भाग के छुप छुप के। बाबा मेरा मेडिकल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, मगर मैं जाना चाहती हूँ फाइन आर्ट्स में। बार बार उनसे बात करोगी तो वो जरूर सुनेंगे और मानेंगे भी। मैडम मैंने सब कुछ सुना, अपने बाबा के अलावा किसी गैर पर कभी इतबार ना करना, यही लोग तुम्हारे रिश्तों में दरारें डाल देते हैं। तुम ठीक कहते हो, मैंने गलत किया। ए गुगलू तो कितना क्यूट है। छोड़ना, क्या है? क्या कह रहे हो? क्या हाथ लगाती जा रही है मुझे? लाइन मार रही हो? शर्म आ रही है? कैसी प्यारी बातें करता है तू। मैं घर कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रही कुछ। तुम मुझे घर छोड़ दोगे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। बाबा बाबा आप? ओ मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत परेशान हो गया था। सर ये मेरे साथ थी, मैं एक मुश्किल में था तो इन्होंने मेरी मदद की। अब हाँ हाँ हाँ। तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। बाबा आप इसको जानते? यकीनन तुम मेरी बेटी को किसी मुश्किल से बचा कर लाए हो गए। मेरी बेटी सही सलामत मेरे सामने है, इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं बेटा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ। हाँ चाहिए ना मुझे। मैं ग्रेड 22 का ऑफिसर हूँ। 22 के ऑफिसर? हाँ मेरे बाबा बहुत बड़े ऑफिसर हैं। बोलो क्या चाहिए। आप अपनी बेटी की बात मान लें, उसका फाइन आर्ट्स में एडमिशन करा दें। बाबा बोल बेटा। सर जो काम दिल से किया जाए वही अच्छा होता है, जबरदस्ती के काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मानता हूँ, और बेटी जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी। चले सर। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी।